दिल्ली में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और सोमवार सुबह दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। लगातार वर्षा का दौर जारी रहने से रविवार को तापमान और गर्मी में खासी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। सितंबर की बरसात का जो कोटा है वो लगभग 70% तक पूरा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी हल्की सी तेज वर्षा का दौर बना रह सकता है। शनिवार को शुरू हुआ वर्षा का दौर आज सोमवार को भी जारी रहा। सुबह कुछ इलाकों में बारिश देखी गई। दिल्ली वासियों ने सुबह आंखें खोली तो बाहर वर्षा हो रही थी। दिन में भी रुक रुक कर हल्की वर्षा चलती रह सकती है और सूरज के दर्शन अभी तक नहीं के बराबर ही हुए हैं। यही कारण रहा है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम यानी कि 28.3 जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर 100 से 86% रहा है। लोगों ने उमस और गर्मी से भी खासी कमी महसूस की है और स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वानुमान जो लगाया गया है उसमें 2 दिन में हुई इस ठीक-ठाक बरसात की मुख्य वजह मध्य प्रदेश के ऊपर बना अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा और पहले यह अनुमान था कि इसका असर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व तक रहेगा, लेकिन इसका जो असर है वो उत्तर पश्चिम में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल गया है। अलबत्ता आज सोमवार को वर्षा जो है उसका जो दौर है वो कम होता नजर आएगा।